ट्रैक्टर यात्रा तिरंगा यात्रा निकली है कल तो बांग्लादेश में हुई है। वो देखो बांग्लादेश में हुआ है, वो तख्ता पलट हुआ है। दूसरा एक साइंस पार्क बना सकते हैं ताकि बच्चे हमारे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति जागृत हों। बागपत में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने बागपत जिला के चौधरी चरण सिंह इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने बांग्लादेश के तख्ता पलट पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत आए हैं, भारत सरकार इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर जल्द ही निर्णय लेगी। और वहीं गन्ना भुगतान पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं, जल्द ही भुगतान कराया जाएगा। वहीं साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि मंत्री एनडीए गठबंधन 10 सीटों पर मिलकर लड़ेंगे। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। ट्रैक्टर यात्रा, तिरंगा यात्रा निकली है कल तो। भाई देखो, किसानों के लिए राष्ट्रीय लोकदल जब विपक्ष में था तब भी हम जो है किसान के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए तमाम तब लोग भी हम संघर्ष करते थे। आज भी हमारे वही मुद्दे हैं, वही हमारा विचार है। चौधरी चरण सिंह जी के विचार को लेकर चल रहे हम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार को लेकर चल रहे हैं। इन्हीं विचार पर आज हम लोग आज भी स्टैंड करते हैं और उसी स्टैंड को लेकर, उसी विचार को लेकर आज हम सत्ता में हैं। उन्हीं सब कामों को कराने काम करेंगे। जो काम नहीं हो पाए, उस हमारे मन में सुझाव है, उन सुझाव को सरकार को देंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में और उसी मुद्दों पर लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और काम कर चौधरी साहब भी उसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं। देखो, वक्फ बोर्ड का जो मामला है वो अभी स्टैंडिंग कमेटी को चला गया, तो उसमें अब कोई विचार विमर्श करने की बात नहीं है। अभी कहीं वो पास तो कुछ हुआ नहीं, अब उसमें जब स्टैंडिंग कमेटी में चल गया उसमें विचार विमर्श होगा, उसके बाद वो लोकसभा में दोबारा आएगा। देखो, इसमें जो है ना, जो बिल आ रहा है वो उसमें कुछ मान लो, अगर उसमें मान लो समर्थन की बात होती तो उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी में जो बिल गया है उसमें जो अपने घटक दल है उन लोगों ने भी उसमें सवाल खड़े किए हैं, इसलिए वो स्टैंडिंग कमेटी गया ना। अब तो वो स्टैंडिंग कमेटी में चला गया, उस पर वही विचार विमर्श होगा, उसके बाद दोबारा जब आएगा तब उस पर बात करेंगे। मंत्री जी, अफगानिस्तान में एक बड़ी घटना हुई है, पीएम को भी वहाँ से भागना पड़ा। आप बांग्लादेश, भाई अफगानिस्तान नहीं, बांग्लादेश में हुई है। वो देखो बांग्लादेश में हुआ है, वो तख्ता पलट हुआ है। उसमें वो देखो अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से पॉलिसी मैटर है, उसमें केंद्र की सरकार कदम उठा रही है। जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे देश में आई हुई हैं। अब उसमें क्या निर्णय लेना है, क्या करना है, वो उसमें जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो भारत सरकार है, वो इसमें निर्णय लेगी। चौधरी चरण सिंह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसी कार्यक्रम में एक टैबलेट वितरण कार्यक्रम है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज बच्चों को टैबलेट वितरण करना है। सरकार की भी योजना है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हाई टेक्निक हों, अच्छी एजुकेशन ग्रहण करें, तो वो एक योजना भी है। उस योजना के माध्यम से आज टैबलेट वितरण कार्यक्रम में मैं आज यहाँ आया हूँ। मंत्री जी, सरकार का हिस्सा हो बात नहीं? देखो, बागपत में जो अगर हम अपने विभाग की बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो उसमें दो यूनिट हैं, सीएसटी और रिमोट सेंसिंग। सीएसटी में हम लोग जो हैं, अगर हमने बागपत डीएम को एक लेटर भिजवाया भी है, उसमें हम लोग जो हैं मान लो बच्चों के लिए नक्षत्रशाला का निर्माण कर सकते हैं, तो दूसरा एक साइंस पार्क बना सकते हैं ताकि बच्चे हमारे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति जागृत हों। तो उसको हमने अपने विभाग से लेटर भिजवाया, अगर ज़मीन यहाँ हमें मिलेगी तो उसमें उसका निर्माण करवाएंगे। मंत्री जी, आरएलडी से आते हो, गन्ना भुगतान की क्या समस्या है? आरएलडी गन्ना भुगतान को लेकर संघर्ष करते हैं। बिल्कुल, गन्ना कुछ ऐसा है, कुछ मिलों का शेष है, बजाज मिल की है और एक दो मिल और हैं। इस विषय में अभी माननीय चौधरी जयंत जी भी मुख्यमंत्री से मिले थे और इस विषय में बड़ी गंभीर वार्ता और चर्चा हुई है कि आगे जो नया सीजन आ रहा है उसमें मूल्य तय करने के विषय में भी चर्चा हुई है, और जो बकाया भुगतान पिछले सेशन का रह गया है उसके विषय में माननीय मुख्यमंत्री से बात, बहुत जल्दी जो भुगतान रह रहा ना पिछले सेशन का जल्दी हो जाएगा। उपचुनाव में आरएलडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ती? देखो, आरएलडी की रणनीति यह है, 10 की 10 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा। दूसरा, हमारी एक सीट मूल रूप से है मीरापुर पे चंदन जी एमएलए थे, वो एमपी हो गए हैं, उस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ रहा है।
और मान लो वो एनडीए स्ट्रेटेजी तय करेगा, अगर कहीं ज़रूरत होगी कि दूसरे सिंबल हम अपने सिंबल पे कोई और सीट भी एनडीए के खाते में जिताकर भेज सकते हैं तो उस पर विचार होगा। चाहे वो खैर है कैसी सीट है जहाँ राष्ट्रीय लोकदल की एक मजबूत सीट है, खैर पे अच्छा खासा हमारे प्रभाव क्षेत्र वाला वोट है, तो अगर उसमें एनडीए के नेता सीट्स नेता तो बैठ के बात होती है चौसाओं के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में, तो खैर पे भी हमारा प्रत्याशी उतर सकता है। फिलहाल तो एक सीट है, दूसरी पे विचार विमर्श हो रहा है कि दो सीटों पे हम लोग लड़ेंगे।